हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या राठौर और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं EVS टॉप 35 क्वेश्चंस की, जो आपके CTET या अदर एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले जब भी मैं अपलोड करूं। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि ये आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्प कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब ये जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वो किसके लिए फेमस है। तो वो शेर के लिए फेमस है, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं। जो खाद्य श्रृंखला की परस्पर समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम खाद्य जाल। क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन मफलर संबंधित है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऐसा कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, वो है भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है, वो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, मतलब अगर मान लीजिए किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी लोगों को हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों में चक्रण को कहते हैं, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र का चक्रण बनता है, चक्र बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। संकटग्रस्त जंतु दत्त्याकार पांडा पाया जाता है, दत्त्याकार पांडा कहाँ पर पाया जाता है, वो चीन में पाया जाता है। किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई, ऐसी कौन सी गैस थी जिसके कारण भोपाल में त्रासदी हुई थी। ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम आ चुका है सीटेट में भी और अदर टेट में भी। इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो क्रिसमस का त्यौहार होता है वो हमेशा कब मनाया जाता है, सर्दियों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सर्दियों में, 25 दिसंबर को। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, वो है जापान। कौन सा है, जापान। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। गंगा जंक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार हेतु था, मतलब गंगा जो जंक्शन एक्सल प्लान लाया गया था उससे किस चीज़ में हेल्प हुई थी, उससे जल की गुणवत्ता में हेल्प हुई थी। किस में हेल्प हुई थी, जल की गुणवत्ता में। 13 क्वेश्चन है कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है वो है नीम। 14 क्वेश्चन है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जब भू पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। 15 क्वेश्चन है कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाती है, तो वो है कैक्टस।
नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब ये जो टाइटन ग्रह है वो किस प्राकृतिक उपग्रह का ग्रह है, वो है शनि का। फ्रेंड्स मैं देखिए आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं केवल टू द पॉइंट चल रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आने वाला है या फिर आ सकता है केवल मैं वही करा रही हूँ, बीच में आपसे कोई भी बात नहीं कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। बायोडीजल फसल, बायोडीजल की फसल होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जट्रोफा। क्या है? जट्रोफा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो वो 1986 में पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण है, जो भूमंडल में तापमान होता है उसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मतलब ऐसे कौन से वन होते हैं, ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। कहां पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है, ऐसी कौन सी मृदा मिट्टी है जिसका निर्माण लावा के द्वारा होता है, वो है काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है, मतलब काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, मतलब वायुमंडल में ऐसी कौन सी परत है जो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, वो है समताप मंडल। कौन सी परत है? समताप मंडल। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर है, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि हमारी भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो हमारे जो भारत में झीलों का शहर है भोपाल। कौन सा है? भोपाल। और ये कौन से स्टेट में पड़ता है, वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट शुरू करते हैं, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है, मतलब शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, तो शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है छात्रों का विश्वास। अगर टीचर छात्रों का विश्वास खुद पर बना लेता है तो वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एका सिद्धांत। क्या कहेंगे? एका सिद्धांत, क्योंकि उसमें कोई भी गलती नहीं है। ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में होता है, जो हम ध्वनि प्रदूषण मापते हैं उसे किसके द्वारा मापते हैं, तो उसे हम डेसीबल के द्वारा मापते हैं। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था, मतलब ऐसी कौन सी स्थलकृति है, ऐसी कौन सी मतलब घाटी है जिसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था, तो वो है यू आकार की घाटी। किसके द्वारा हुआ था? यू आकार की घाटी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम जो चलता है उसकी सही परिभाषा क्या है, छोटे शब्दों में और सही परिभाषा क्या है, तो उसकी परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन। क्या होना चाहिए? जीव जो समुदाय हैं और उनमें जो वातावरण है आपस में संतुलन होना चाहिए, तो उसे हम इकोसिस्टम की सही परिभाषा कहते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, जो मानव विकास का क्रम होता है उसमें जब हम दो पैरों पर चलने लगते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। जब बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता है, हाथ पैरों पर चलने लगता है, तो क्या होता है, हाथ स्वतंत्र मतलब हाथ फ्री होकर काम करने लगते हैं और किसके अनुसार कार्य करते हैं, मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, जो भूकंप मापा जाता है उसकी जो तीव्रता मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, तो वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, जो सूर्य का निकटतम ग्रह है सबसे ज़्यादा निकट कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में पाया जाता है, जो गिर राष्ट्रीय मतलब पार्क है वो किस राज्य में है, गुजरात में है। किस में है? गुजरात में। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, मतलब तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जीव भू रासायनिक। क्या कहते हैं?
जी भू रासायनिक। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रेरणाता, मतलब जो चिपको आंदोलन था उसके प्रेरणाता कौन थे, मतलब किससे प्रेरणा मिलती है, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, मतलब 35 क्वेश्चंस आपका बिना टाइम वेस्ट किए बताए हैं मैंने, कोई बाहर की बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स बताए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, बाय एवरीवन।